नमस्कार, खाना और स्वाद के चैनल में आप सबका स्वागत है। ठंड का मौसम हो और मटर की कचौरी ना हो, ऐसा तो नहीं होता। चलिए आज बनाते हैं मटर कचौरी। ले लिया है मैंने कुछ उबाले हुए मटर, हरी मिर्च और अदरक। साथ ही हम लेंगे कुछ सौंफ और साथ साथ कुछ जीरा। अब इसे हमें एक पेस्ट की तरह बना लेना है। कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए गैस पर रख दिया है और मैं इसमें ले रही हूँ घी। इसका गलने तक वेट करते हैं हम। ये देखिए, अब मैं इसे फैला लूँगी चारों तरफ और इसमें डालूँगी अब मटर का वो पेस्ट इस तरह। देखिए, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है ये। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये जब तक सूखा सूखा ना दिखे तब तक हम इसे मिलाते रहेंगे ताकि ये सारा घी अपने में सोख ले। स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है सत्तू का। यह सत्तू इस पूर का और भी स्वाद बढ़ाएगा। और इसे मैं लो फ्लेम में ऐसे अच्छे से मिला ली। नमक आपके स्वाद अनुसार। देखिए ये तैयार है ऑलमोस्ट। और अब मैं इसे उतार लूँगी, ऐसा दिखना चाहिए। अब आते हैं स्टफिंग पे। मैंने ऑलरेडी मैदा सान रखा था और मैं अब इस पूर को इस तरह ऐसे स्टफिंग कर दूँगी और इसे अच्छे से बंद कर दूँगी ताकि ये बेलते वक्त कहीं से ना निकले। ये देखिए इस तरह। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने कचौरियों को अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से बेल लूँगी। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है हमें, नहीं तो स्टफिंग बाहर आने का डर है। ये देखिए इस तरह। और ये हमारा कचौरी बेल कर तैयार है। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए दे दिया था और ये अब मैं कचौरियों को डीप फ्राई करूँगी इस तरह। हल्के हल्के हाथों से इसे आप डीप फ्राई कर लें। देखिए अब ये थोड़ा सुनहरा हो गया है, इसका मतलब हमारा कचौरी अब तैयार है। अब हम इसे उतार लेंगे। अब सुंदर से आप अपने कचौरियों को सर्व कर लें। मैंने कचौरियों के साथ बनाया था दम आलू की सब्ज़ी, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए, वैसे तो ये कचौरी अपने आप में ही बहुत स्वादिष्ट है। इसे आप केचप के साथ भी खाकर देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।